अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार और आज मैं एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रीलियम पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। और स्टार्टिंग में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर्स को मैं सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर इंग्लिश के एसएम साइंस कॉलेज के पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा। तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर जो है वो टाइम मार्क दे दिया, उस पर क्लिक करके वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लेक्चर पर जा सकते हैं और यहाँ पर वो अपना टाइम वेस्ट ना करें फर्स्ट ईयर के लेक्चर में। बाकी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो सारे देखते रहें उस वक्त तक जब तक कि केमिस्ट्री और इंग्लिश के पेपर में सॉल्व ना करा दूँ। फिर जब मैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टार्ट करूँ तो फिर आप जो है वो यहाँ से वीडियो से लीव कर जाएँ, ठीक है। तो ये जो पेपर हुआ था 2022 में एसएम साइंस कॉलेज का, इसके क्वेश्चंस को पेपर को एनालाइज करते हैं और करेक्ट एमसीक्यूज के आंसर्स जानते हैं। तो फर्स्ट ईयर द हीट सप्लाइड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्ट्स सॉलिड इनटू गैस, नो चेंज ऑफ स्टेट, नो हीट ट्रांसफर। तो जब हम किसी हीट सप्लाई करते हैं एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड, द चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो डिपेंड नहीं करता, तो वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रेशर ऑफ गैस, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो नन ऑफ दीज। थर्ड है द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड सल्फर आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। एडिशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन और सल्फर पर तो वो क्या होगा, चूँकि जब भी एडिशन इलेक्ट्रॉन को किया जाएगा तो हीट एनर्जी लिबरेट होगी तो एक्सोथर्मिक होगी। अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेंगे तो एक्सोथर्मिक होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक होगी, तो फर्स्ट एक्सोथर्मिक और सेकंड हमारे पास एंडोथर्मिक। फोर्थ एट एसटीपी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 180 एम एंड प्रेशर और टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ, दिस इज करेक्ट। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। N2O4 का तो सेम निकलेगा, CH3COOH, ये हो गया हमारे पास C2H4O2, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। CH2O निकला और यहाँ पर C2H 3 4 5 और 1 6 C6O, तो ये हमारे पास 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। दोबारा से कर लेते हैं, ये C2H4O2 है तो 2CH2O आ गया और ये C2 है, H4 है और O2 है, तो इसमें भी सेम आया तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसकी बात करते हैं तो 6 1s 6 और 6 1s 6 और ये 3 से काटे, 2 3s 6 और 2 7s 14, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6, ईच डिग्री राइजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज चेंज बाय फैक्टर ऑफ डैश ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब राइज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो कितना चेंज होगा, ठीक है, मतलब कितने फैक्टर से चेंज होगा उसके इनिशियल से, तो 1/273 इतना ये चेंज हो जाएगा। 7th, द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो गैस कॉन्स्टेंट किस पर डिपेंड करता है, PV = nRT होता है ना भाई, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मोल, यूनिट्स ऑफ प्रेशर और यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, किन पर डिपेंड करेगा ये हमारे पास, चूँकि जो जी आर हमारे पास है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है दिस इज 0.0821, इसकी हमारे पास डिपेंडेंसी किस पर होगी, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर पर होगी, यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर होगी, तो देखो पी और वी पर डिपेंड कर रहा है ना ये डायरेक्टली, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। 8, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज 2
+2.87 एंड लिथियम इज 3.05। तो फुलिन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, नो मासेस ट्रांसफर इज पॉसिबल, ओनली हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अ मिक्सचर हैज द लोएस्ट पार्शियल प्रेशर। लोएस्ट पार्शियल प्रेशर इनमें से किसका आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका सबसे कम वॉल्यूम आएगा। यह 16/32 हो गया, ये आ गया हमारे पास 0.5। ये 14/28 हो गया, ये भी आ गया हमारे पास 0.5। ये 0.5 से और कम आएगा और ये 1। तो ये हमारे पास 16.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोएस्ट पार्शियल प्रेशर हमारे पास होगा। 11th, इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हेन गैस इज एक्साइटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एट लो प्रेशर द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फॉर एन एटम इज, तो लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। 12th, ए वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज डिक्रीजेज एक्यूरेटली विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक चार्ज। 13th, व्हाट इज द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ l=2, n=2, l=1। तो मतलब ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, 2p हो जाएगा हमारे पास। 14th, विच ऑफ द ऑर्बिटल हैज टू बी फिल्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो n+l के लिहाज से देख लें इसको, 4d जो है वो हमारे पास 4+2 हो गया, ये हमारे पास जैसे 6, ये हमारे पास हो गया 5+0=5, ये हमारे पास हो गया 4+1=5, ये हमारे पास हो गया 3+2=5। तो 5 तो सब में ही आ रहा है, लेकिन जो लोएस्ट एन वैल्यू है वो पहले फिल होती है, जैसे कि आप जानते हैं, तो 3d पहले फिल होगा। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट, दिस इज CO2। 16th, विच विल बी द ट्रेंड ऑफ HX बॉन्ड एनर्जी इन हाइड्रोजन हैलाइड। HI की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है HBr से, HBr की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है HCl से, और HCl की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है HF से। तो नहीं, ये रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाएगा, HF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl से, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HBr से, HBr ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HI से। 17th, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एंडोथर्मिक, हीट देनी पड़े, ये नहीं एंडोथर्मिक है, दिस इज एंडोथर्मिक, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। दीज आर 17 MCQs, MCQs 18 है। द कॉन्स्टेंट ए बी एंड सी एंड अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड सेल पैरामीटर, इसको हम सेल पैरामीटर भी कहते हैं। They are also known as cell dimensions. 19th, the gas which has the lowest rate of diffusion, जिसका molecular weight सबसे कम होगा, this is 16, तो ये तो 16 से ज़्यादा ही होगा, ये भी 16 से ज़्यादा, ये भी 16 से ज़्यादा। अच्छा, लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, दिस इज C2H6, हाइएस्ट मॉलिकुलर वेट इसी का आएगा। नेक्स्ट है, इन फोर ऑर्बिटल्स फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इज टू बी यूटिलाइज इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे, तो ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, चूँकि पी के 3 बन जाएंगे, चूँकि जब हम यहाँ पर बात करेंगे ना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p2, तो ये 2p 2s 2s, 3 ये रहे हमारे पास ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके अंदर p के अंदर हमारे पास कितने बन रहे हैं, px, तो ये हमारे पास 2 यहाँ आ गए, 2 इधर से आ गए, और इधर से आ गए हमारे पास 2 ऑर्बिटल है px पर, तो px1 और p2py1, ये 2 हमारे पास आ गए, तो इधर से हमारे पास आ गए 4, 4 2 6 और 2 8, 8 है जिसमें से हमारे पास 4 बॉन्डिंग बनेंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 21 है, तो BF3 मॉलिक्यूल हैज डैश लोन पेयर, 0 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा। 22 इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर बोथ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। 23 फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन देस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0।
24 is a thermodynamic process, heat supplied at constant pressure changes dash of the system, changes enthalpy of the system. 25, which of the following processes is exothermic? तो डेल्टा है जिसमें नेगेटिव आएगा वो एक्सोथर्मिक है, तो सी. 800 जूल ऑफ कैलोरी ऑफ हीट ऐड किया जा रहा है सिस्टम को, जो कि सिस्टम काम कर रहा है दो सेकेंडरी हीट. व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? ऑप्शंस, अच्छा तो यहाँ पर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है. फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है? क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना भाई? तो क्यू इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू होता है. यहाँ पर डेल्टा ई बताना है, दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. हीट ऐड कर रहे सिस्टम में तो 800 ये हो गया, और सिस्टम टाइम काम कर रहा है तो प्लस में हो गया, प्लस में हमारा हो गया 200. 800 माइनस 300 या 600, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 600 कैलोरी. द इक्वेशन ऑफ केएसपी ऑफ एजी टू सीओ थ्री, ये हमारे पास Ag पर 2 पावर आ जाएगा, चूंकि जब हम AgCO3 को डिकम्पोज करेंगे 2Ag प्लस आ जाएगा और CO3 माइनस 2 आ जाएगा. तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 28, 1 dm क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड कंटेंस कितने आइंस होंगे? सबसे पहले तो इसमें हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तो 0.5 मोल्स ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है? 0.5 मोल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे. तो अच्छा, एक आधा मोल जो है वो हमारे पास 2H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.5 मोल हमारे पास एक करेगा, ठीक है? तो एवोगाड्रो नंबर के लिहाज से एक मोल करेगा, दिस इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एच प्लस आइंस, ये आंसर हो जाएगा. 29 है, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट्स टू बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन अपोजिंग रिएक्शन देन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर कॉन्स्टेंट. 30 फॉर द रिएक्शन दिस, इसमें क्या हो रहा है? H2S इज रिड्यूस्ड माइनस 2 से 0. यस, H2S यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि नहीं रिड्यूस नहीं हो रहा, बढ़ जा रहा है माइनस 2 से 0, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड. नेक्स्ट 31 है, फॉर द इक्विलिब्रियम द इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टू इज फॉर्म्ड व्हेन. बी आर टू कब ज़्यादा बनेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. पी बी आर फाइव जब ऐड करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो ऑल ऑफ दीज जब करेंगे तो ऐसा होगा. द बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पी एच ऑफ सॉल्यूशन. 33 है, विच ऑफ द सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ये तो NaCl, तो न्यूट्रल सॉल्ट ये नहीं बनेगा, CaCO3, ओनली MgOHCl एंड NHSO4. तो ये ओनली NaCl, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा. ये सारे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास जो है वो सेक्शन ए था, जिसके MCQs थे, जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए. चूँकि उसके बाद सेक्शन बी है, डिफाइन करना है कुछ टर्म्स को, देन ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया स्टोचियोमेट्री से, चैप्टर वन से. तो फाइंड आउट द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेटेड ऑन एडिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 82 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 82 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड. तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू हो जाएगा. तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बिकॉज द वीडियो विल गो ऑन सो लॉन्ग. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से हो जाएगा, बस थोड़ा हिंट दे देता हूँ. नेक्स्ट है, 54 ग्राम ऑफ P2O5 दिया जा रहा है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं. तो ये हमारे पास स्टोचियोमेट्री है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से निकल जाएगा. फोर्थ है, गिव द साइंटिफिक रीजन ऑफ द फॉलोइंग. विस्कोसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डाइथाइल ईथर. चूंकि डाइथाइल ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा विस्कस होता है. सेकेंड है, वाई प्रॉपर्टीज लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर आर डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. चूंकि ये हमारे पास जो है ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होती है. दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? तभी ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं. वाई जिंक डिस्प्लेसेस CU+2 फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ CuSO4.
because zinc is more reactive than copper, that's why. Next step, why the rate of diffusion of helium is faster than oxygen? चूंकि helium का molecular weight कम है, oxygen का molecular weight ज़्यादा है. Question 5, with the help of figure 1, answer the following question. Which of the curve is at higher temperature? हायर टेम्परेचर पर कौन सा कर्व होगा? तो कर्व 1 होगा, चूंकि इधर सी बात है वो ऊपर जा रहा है. काइनेटिक एनर्जी है ना, भी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है. व्हाट हैपेंस टू रिएक्शन रेट्स एट हायर टेम्परेचर? तो रिएक्शन रेट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. इफ देयर इज इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. चूंकि 10 डिग्री पर रेट डबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब. बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस टू द रेट कॉन्स्टेंट? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो वो भी रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो वो भी हमारे पास डबल हो जाएगा. नेक्स्ट है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 इन ग्राम पर डीएम क्यूब एट दिस टेम्परेचर. तो ये फॉर्मूला लग जाएगा डी इक्वल टू पी एम अपॉन RT. यहाँ से सॉल्व कर लें. नेक्स्ट है, स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनहाइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉर्मूला. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये Mg+2 की, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं टोटल. दिस इज 1s2, 2s2, 2p6. ये हो गया Cl- का 18 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कॉपर. तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 नहीं 4s1 होगा, और 3d10 हो जाएगा. ऐसा अपने एक इलेक्ट्रॉन डी को देकर स्टेबिलिटी गेन कर लेगा. उसके बाद दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो इजीली हमारे साथ ही निकल जाएगा. दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, इसके सॉल्यूशंस मैंने अपने वीडियो में करवाए हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में, चैप्टर 5 के, उसमें आप जाकर देख सकते हैं. ये चैप्टर 5 का टॉपिक है. अगर आप इस न्यूमेरिकल में अगर आपसे मसला है तो ये चैप्टर 5 का टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन. वहाँ पर मैंने डिटेल में ये सारे टॉपिक्स कराए हैं, वहाँ से आप देख लो, ठीक है. उसके बाद KC क्वेश्चन 12 है, ये चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल है. KC दिया हुआ है, अगर 1 लीटर वेसल में इतना हाइड्रोजन मोल वगैरह और इतना हाइड्रोजन एडेड है, प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. तो डायरेक्शन बताना है Q इक्वल टू H2I2 और HI का स्क्वायर. तो आप यहाँ क्या कर देंगे कि सारी वैल्यूज़ को हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यूज़ को रख कर क्यू निकालेंगे, फिर उसको क्यू क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे. अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन KC होगी तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड मूव करेगा, और अगर क्यू की वैल्यू लेस देन KC होगी तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है. तो दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ आते हैं, बल्कि सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस हैं. तो उसमें डिफरेंशिएट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर 15 में. यहाँ ऑर्डर है, सिंपल है, ये सेम रेफरेंस, यहाँ पर हम इसको रेफरेंस बना लेंगे क्योंकि सेम है. तो 0.1 से 0.2 गया तो 1 से 4 हो गया, तो ए के रेस्पेक्ट से ऑर्डर हमारे पास हो गया सेकंड. और ये 0.1 से 0.3 गया तो 1 से 3 हो गया, तो बी के रेस्पेक्ट से हो गया फर्स्ट ऑर्डर. तो ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी चीज़ें बस याद करने की हैं. तो आयनिक बॉन्ड आ गया इसके अंदर, बाकी प्रिसिपिटेशन वाला न्यूमेरिकल है. ये चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल यहाँ पर आया हुआ है, बुक का न्यूमेरिकल है प्रिसिपिटेशन का. ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है अपने यूट्यूब पर, तो ये देख लेना. बाकी क्या कह रहे हैं, यूजिंग पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल एंड राइट द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. PCl3 है तो डायरेक्ट मैं शेप बता दे रहा हूँ, दिस इज पिरामिडल. इसका पिरामिडल शेप बनेगा. PH3 दोनों का सेम बनेगा, H2S और SCl2. तो इसका हमारे पास H2S का तो एंगुलर बनेगा शेप, या बेंट शेप बनेगा, वी शेप बनेगा. SCl2 बनाएंगे अगर तो SCl2, यस, इसका भी हमारे पास एंगुलर ही बनेगा, बेंट बनेगा. CH2 और CO2 इन सब का हमारे पास बनेगा लीनियर शेप. बाकी ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेथड्स है, इजी बैलेंसिंग है, बुक के क्वेश्चन है. ये वाला भी और ये वाला भी दोनों मैंने सॉल्व करवाए हैं यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख लें, ठीक है. टॉपिक हमारा, टॉपिक बता देता हूँ, चैप्टर 7 है ये हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ये वीडियो अगर आप वॉच कर लेंगे तो ईजिली आपकी ये न्यूमेरिकल
वहाँ मैंने सॉल्व करवाया है, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज़ पर। तो ये हमारा एसएम साइंस कॉलेज का फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का पेपर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर है एसएम साइंस कॉलेज का। तो केमिस्ट्री के बाद मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आस्क किए गए हैं हमारे पास हैं। तो फर्स्ट है द नेम पाकिस्तान वाज क्वाइंड बाय, तो पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, दिस इज चौधरी रहमत अली। द आर्मर ऑफ हैप्पी मैन इज हिज ऑनेस्ट थॉट। थर्ड ऑन बिर्कनहेड द ऑर्डर ऑफ द डे वॉज वुमेन एंड चिल्ड्रेन फर्स्ट। फोर्थ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम अभिमन्यु इज टू लव द ह्यूमैनिटी। फिफ्थ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही डाइड एज अ कैप्टन। सो फॉर द एमसीक्यूज आर सो इजी हियर। सिक्स द एक्चुअल नेम ऑफ फैमिली वॉज शॉल ऑफ रॉलिन शिमिट। मिसिज मेल्डन वॉज एजेड अबाउट 43। एट द माइटी हर्ट इन द पोएम सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज रिफर्स टू द पीपल ऑफ लंडन। नाइन्थ ऑर यूर मीन्स गुड बाय, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। 10th एंग्लो सेक्सन इज यूजली नोन एज ओल्ड इंग्लिश विच इज अ डेड लैंग्वेज। 11th द नेम ऑफ द प्लेस फिक्स फॉर द ड्यूल वॉज वॉइस टिविनसिनेस। 12th द लाइन द रिच कंसेंटेड ऑल इन सेल्फ रिफर्स टू अ मैन हु इज अनपेट्रियोटिक। 13th द पोम इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप इज कंपोज बाय, दिस इज रॉबर्ट ब्राउनिंग हु इज एक्चुअली अ विक्टोरियन पोएट। 14th अ सोनेट इज अ पोम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स, सो अ सोनेट कंटेन्स 14 lines in two stanzas. The first stanza is called an octave, while the second stanza is known as a sestet. 15th, Mrs. Meldon killed her brother with a knife. See. 16th, the apartment of Monte Cristo was in Champs-Élysées. 17th, the lesson Science and Society focuses on the limitations of science. 18th, the permanent members of Security Council are 5. 19th, Stevens was a policeman and Sergeant Manning was a detective. 20th, the lesson My Bank Account is written by Stephen Leacock, who was a Canadian humorist. 21, Henry Corey considered man as pugnacious. Pugnacious ke matlab hote hain jhagadalu. Jhagadalu. 22, bravery and discipline is a name of theme of Birkenhead Rally. 23, some people think that Lucy Gray is a living child. 24, effect of science is always confirmed by experiment. 25, hunger is the special problem of FAO, that is Food and Agricultural Organization. 26, in the deserted village, a country's pride means its what? Its bold peasantry. A bold peasantry, its country's pride, whence once destroyed can never be supplied. 27, Orville and Wilbur were scientists of which country? 28th, Newton was a superb mathematician. 29th, silence is a sign of death. 30th, the word Fräulein belongs to this language. This is German language. 31, the phrase toilet emitting means that is holiday. 32, the tone of the poem, the character of happy life is religious. 33, science and scientist was written by F. Sherwood Taylor. 34, the word assertion means statement. 35, Conrad was a prosperous Hamburg merchant. 36, the Count of Marsurf is killed by himself. 37, no one tell anything until you are obliged to, is the principle of Dr. Henry Corey. 38, Duke and his loyal fellows were living a life of exile in the forest of Arden. 39, Mrs. Meldon requests Corey to destroy his invention and to reveal its secrets. 40, the purpose of war is killing. के बाद ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। देन करेक्ट द एरर्स ओमिशंस ऑफ वर्ड्स प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। द हायर यू वी गो द
कूलर इट इज़। तो दो बार दिया आएगा, डबल कंपेरेटिव है, दोनों कंपेरेटिव से पहले दिया आना चाहिए। ही इज एक्यूज टू गिल्टी, एक्यूज के साथ ऑफ आता है। डी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, इट इज़ नॉट इन, इट इज़ इन टू द फायर, इसके मतलब होता है आसमान से गिरा खजूर मैट का। ई हैव वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो ट्रूथ के साथ टेल नहीं लगाते, स्पीक लगाते हैं, तो यहाँ होना चाहिए था वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। उसके बाद हमारे पास कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो उसकी मीनिंग्स में बताया तो आप उसको सेंटेंस बना लें। इस स्टोरी के मतलब होते हैं कहानी, और इस स्टोरी के मतलब होते हैं मंजिला, इस फर्दर के मतलब होते हैं दूर, और इस फर्दर के मतलब होते हैं मजीद, इस लेसन के मतलब होते हैं सबक, और इस लेसन के मतलब होते हैं कम करना किसी भी चीज़ को, इस इनके मतलब होते हैं मैं, और इस इनके मतलब सराय या मेहमान खाना, इस तरुण का मतलब ताज या तख्त, तख्त कह लें बादशाह को जो तख्त होता है, और इस तरुण के मतलब होते हैं दैट इज़ फेंकना, इस सिल के मतलब होते हैं पादबान, और इस सिल के मतलब होते हैं बचत। कॉलम ए कॉलम बी को मनाना है वर्ड मीनिंग्स के साथ साइट सीइंग, जिसको देखा जा सके, विजिटिंग प्लेस एज अ टूरिस्ट, स्ट्रीट्स ऑफ आर्ट्स दैट इज क्लेवर ट्रिक्स, टू टर्न टू बी टेकन अ बैक दैट इज टू मेक एन एस्केप और लीव, गॉट अवे अचानक अकाउंट ऑफ किसी की वजह से दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग और समवन, एट ए स्नेल पेस का मतलब होता है वेरी स्लोली। अब दो वर्ड्स रह गए टू बी टेकन अ बैक, ये इसका हमारे पास हो जाएगा दिस इज टू बी सरप्राइज और शॉक्ड, और गॉट अवे का मतलब हो जाएगा टू मेक एस्केप और लीव। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ एसेज वगैरह हैं, ट्रांसलेशन सॉल्व करके दे देता हूँ मैं आपको। ताली दो हाथ से बचती है, ताली दो हाथ से बचती है, तो ये हमारे पास एक ईडियम है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इसका मतलब हो गया ताली दोनों हाथों से बचती है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल सक्सीड। खुदगर्ज शख्स की कोई इज्जत नहीं होती, खुदगर्ज शख्स दैट इज सेल्फिश मैन, उसका कहा जा रहा है कि उसकी कोई इज्जत नहीं होती, तो सेल्फिश मैन हैज नो रेस्पेक्ट, तम्बाकूनोशी सेहत के लिए मुजिर है, तो तम्बाकूनोशी कहते हैं स्मोकिंग, इस मुजिर होने को दो वर्ड्स कहते हैं, इंजरियस भी कह सकते हैं, इंजरियस का मतलब भी होता है मुजिर होना। ठीक है, तो स्मोकिंग इज इंजरियस कह लें, या फिर हम कह लें हजार्डियस, हजार्डियस टू हेल्थ। ऐसे बदनवानी हमारे माशरे का लाजमी जुज बन चुकी है, तो बदनवानी हम लोग कहते हैं इसको भाई, बदनवानी हम लोग कहते हैं करप्शन को, तो ये करप्शन हैज बिकम अ कंपल्सरी मीन्स लाजमी, और जिसके लिए हम लोग लिख रहे हैं पार्ट ऑफ हमारे माशरे का, तो माशरे को हम लोग कहते हैं सोसाइटी ऑफ अवर सोसाइटी, अगर तो मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाती है। हमारे पास कंडीशनल ही है, सेकंड कंडीशनल है, तो पहले तो पास्ट सिंपल में बनेगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, पास्ट सिंपल में, तो उसके बाद वुड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यू वुड सक्सीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एसएम साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का पेपर भी यहाँ पर मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया ओवरऑल, तो फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, अब सेकेंड।
के ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर है एसएम गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज कराची का, और इसके एमसीक्यू सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्व कराते चलता हूँ। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर 17 शुड बी रिप्लेस इन डैश ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर 17 है तो उसको प्लेस किया जाएगा, क्योंकि 17 है तो क्लोरीन है तो 7 ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। थर्ड है द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4a ग्रुप एलिमेंट्स इज 4a ग्रुप के लिए NH2NP2। फोर्थ एलिमेंट x बिलोंग्स टू ग्रुप 2a एंड y बिलोंग्स टू ग्रुप 7a। द फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड विल बी x एंड y, दिस इज +2 दिस इज -1, तो XY2 फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। फिफ्थ हाइड्रोजन बिलोंग्स टू डैश ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज तीनों से बिलोंग कर सकता ऑल ऑफ दिस। सिक्स से डैश इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इन डाउन सेल, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सेवन्थ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। एट्थ डैश इज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दिस इज अच्छा इनमें से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन तो कुछ भी नहीं है, ये सारे आंसर्स हमारे पास रॉन्ग हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को बोले तो दिस इज कोक। नाइन्थ है गोल्ड कैन बी डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, इज एक्वारीजिया विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेंथ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफीन दिस, तो ये 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर। 11th है द चार्ज ऑफ ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो दिस इज -2 चार्ज होगा जो उसके नीचे गया, ठीक है तो दिस इज -2। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। 13 है ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। 14th है द लीस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रीटियम। 15 द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन, नॉट सॉरी आउटर, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 16 है मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर फाउंड इन डी ब्लॉक ऑफ, सॉरी नॉन मेटल है तो इन पी ब्लॉक ऑफ रॉक टेबल। 17 है द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड वाटर गैस। 18 है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O। 19th है दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स। 20 है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल ईल्ड्स, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से कीटोन मिलता है। 21 एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ टोलेंस रिएजेंट। 22 है व्हेन एल्डिहाइड आर रिएक्टेड विद सेलिन सॉल्यूशन ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ CU2O क्यूपरस ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद 23 डैश फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड, दिस इज बेरिलियम। 24 द हाइड्राइड्स ऑफ डैश एलिमेंट्स आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड ट्रांजिशन। 25 टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स डैश रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन। 26 डैश मेथड इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर ऑड कार्बन अल्केन्स, दिस इज वुड्स रिएक्शन। 27 है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनहाइब्रिडाइजेशन पी ऑर्बिटल बेंजीन प्रीफर्स टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 28 है जेरोप्थैलेमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। 29 है ऑर्डरी हाइड्रोजन इज यूनिक इन नॉट हैविंग अ न्यूट्रॉन। 30 है बेरीबेरी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। 31 है द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज अमाइनो एसिड। 32 है बेकलाइट इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। 33 है द असाइलेशन ऑफ बेंजीन प्रोड्यूसेस एसिटोफिनोन। 2 है इसके बाद, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल। 11 है तो ये हमारा ग्रुप इसका हो जाएगा ग्रुप 1 है, और पीरियड इसका हमारे पास हो जाएगा दिस इज थर्ड पीरियड। 18 है तो असल में ये हमारे पास है दिस इज आर्गॉन, तो ग्रुप इसका हो गया 8A और पीरियड इसका हो गया हमारे पास हीलियम नियॉन आर्गॉन, दिस इज द थर्ड। 20 है दिस इज कैल्शियम, तो ग्रुप इसका हमारे पास हो गया 2A और पीरियड इसका हो गया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, दिस इज द फोर्थ पीरियड। 26 है तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज,
तो दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, तो आयरन हो गया जी। तो आयरन हो गया तो ग्रुप हमारा निकला इसके अंदर 8B और पीरियड हमारा निकला इसके अंदर 4th। इसके बाद याद करने की चीज़ें, रीजन्स आए हैं यहाँ पर कि जिंक हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन एक्सिस NaOH। चूँकि जिंक हाइड्रोक्साइड जब एक्सिस NaOH में डिजोल्व किया जाता है तो ZnOH4-2 ये आयन बन जाता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट आयन हमारा बन जाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से पानी में हल हो जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता, क्योंकि ग्रेफाइट के पास हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि डायमंड में, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड का बनता है, इसके अंदर देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। सी है मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलर्ड एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय CFT क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी। वी नो दैट इन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी देर इज अ डी स्प्लिटिंग अकरिंग बिटवीन द डी सबशेल्स, लाइक टू सबशेल्स आर फॉर्म्ड, वन इज कॉल्ड T2G orbital, the second is called EG orbital, and there is a transition taking place between T2G and EG orbitals. That's why most of the complex compounds or transition compounds tend to form colored compounds. D has the hydration of Be+2 is more than Mg+2, because Be+2 का small size है, जितना छोटा size होगा उतनी ज़्यादा hydration होगी, Mg+2 का size ज़्यादा है तभी hydration कम है। उसके बाद organic chemistry में वॉट हैपन्स वैन इथालाइन रिएक्टेड विद KMnO4, जब KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो इथालाइन ग्लाइकोल बनेगा, मतलब रिएक्शंस पूछ रहे हैं इसमें। वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, HCl से कराएंगे तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, Br2 से करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा विसिनल डाइब्रोमाइड और 1,2-dibromoethane। ये जस्ट मैं फाइनल प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट सेक्शन सी में रिएक्शंस नहीं है, ऑर्गेनिक पोर्शंस में भी नहीं, इनऑर्गेनिक में भी नहीं है। इनऑर्गेनिक में बस ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ कैन यू प्रिपेयर TNT, बेंजीन से स्टार्ट करके TNT कैसे बनाएंगे, मतलब बेंजीन ले लें तो बेंजीन की पहले आप नाइट्रेशन करा लें, पहले आप मिथाइलेशन इसकी करा लें CH3Cl AlCl3। ये फर्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारा सबसे पहले तो टॉलिन बन जाएगा, ये टॉलिन से मुराद ऊपर CH3 आ जाएगा, दिस इज टॉलिन। उसके बाद आप इसकी नाइट्रेशन करा दें HNO3 H2SO4। तो आप जानते हैं कि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 की अटैचमेंट हो जाएगी, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन बन जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में TNT कहते हैं। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड TNT। सेकंड है पिक्रिक एसिड बनाना है बेंजीन से, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फिनोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन से बनाना तो लंबी कहानी है, तो ये लंबी कहानी नीचे शो कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेंजीन से बनाना है सेकंड में, तो सबसे पहले आप बेंजीन ले लें और बेंजीन की सबसे पहले क्लोरीनेशन करें Cl2AlCl3, तो हमारे पास बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन में आप क्या करें भाई, इसमें NaOH से रिएक्शन करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, 10% ये होना चाहिए, ये हमारे पास डाओ प्रोसेस इसके अंदर होगा और डाओ प्रोसेस के नतीजे हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो एक एरोमेटिक सॉल्ट होता है, इस सोडियम फिनॉक्साइड का उसके बाद हम HCl से रिएक्शन करा देंगे। तो ये हमारे पास फिनॉल बन जाएगा और फिर इस फिनॉल का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करेंगे HNO3 और यहाँ पर हम साथ में लेंगे इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास फिनॉल तो बनेगा ऊपर वह चाकर, साथ में 2,4,6 पर NO2 ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी, ये हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। OP ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है थर्ड में, उसके बाद OP ट्राइब्रोमोबेंजीन
ये रिएक्शंस इतने मुश्किल नहीं होते हैं बच्चे, वो बिलावजह आप परेशान हो रहे होते हैं। आप अगर मेरे तमाम लेक्चर्स को देखें जो मैंने आपके लिए 900+ वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, तो ऑल दिस रिएक्शंस आर नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, यू कैन डू इट ईजिली। ठीक है, ओपी ट्राइब्रोमो बेंजीन, तो बेंजीन बेंजीन लेना है, उसके डबल ब्रोमिनेशन कर देनी है। पहले एक बार इसकी आप ब्रोमिनेशन करें, Br2 से रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, एक ब्रोमीन आ जाएगा Pr यहां पर, फिर फर्दर आप यहां पर इसकी ब्रोमिनेशन करें AlBr3 के साथ, तो यहां पर हमारे पास ओपी ट्राइब्रोमो मतलब ऑर्थो पायरो डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पोजीशन पर ओपी ट्राइब्रोमो बेंजीन। आई थिंक ये रिएक्शन इसके अंदर ओपी ट्राइब्रोमो फिनॉल तो हो सकता था, ये रिएक्शन ठीक नहीं है, सो इट्स नॉट फिजिबल, इट कैन नॉट बी डन। इसके बाद एम मेटा नाइट्रो नाइडाइनाइट्रो बेंजीन, इसमें बेंजीन लेंगे तो बेंजीन के दो बार आपकी नाइट्रेशन करानी है, टू टाइम्स नाइट्रेशन करा दें। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये मेटा नाइट्रो बेंजीन हमारा बन जाएगा, बाकी नोमेनक्लेचर आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया, ये एस एन साइंस कॉलेज का आपका सेकेंडरी का पेपर ओवरऑल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट पेपर हमारे पास है एस एन साइंस कॉलेज के जो है वो इंग्लिश का पेपर है सेकेंड ईयर के। फर्स्ट है अ फ्यू स्टार्स जर्नी इन कंपनी बट मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिटरी, दिस इज ट्रेवलर्स। सेकेंड इज द सन ऑफ मिलर वॉन्टेड टू शो हंस हिज वाइट रैबिट्स। थर्ड इन द व्यू ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोएर्शन सोन डी जनरेट्स। फोर्थ मिसेस जोन्स फाइंड द सिगरेट बॉक्स व्हेन शी शूक हर हस्बैंड्स कोट। फिफ्थ द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट विजिलेंस। सिक्स डॉक्टर मेवलरी मिस्टूक द स्विशिंग ऑफ स्केट फॉर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। सेवंथ अकॉर्डिंग टू बटर नसल द यूनिटी ऑफ एशिया इज अ ट्राइफल एब्सर्ड। एट्थ इट इज नॉट टू लेट फॉर टेनिसन्स ओल्ड मैन टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। नाइन्थ एज डिस्क्राइब्ड इन सिनोड द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ डे लाइट कम्स थ्रू ईस्टर्न विंडोज। टेंथ इज शॉन कीट्स इंकरेजेस अस टू रीथ अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ। 11th according to Shelley, rose leaves are hip with the roses dead. 12th है, Wordsworth found the sound of solitary reaper more enchanting than the sound of nightingale. 13th है, Thomas Campion, upright man cannot be deceived by hope. 14th है, the word pantaloon in the seven ages of man means a comical old man. 15th out of the 60 got it was a foreigner. 16th, the age of Rudolf Rosendael was 29. 17th, like Rosendael, eternity man was also going to Dresden. 18th, Black Michael was more popular than King because the King spent time abroad. 19th, in the Prisoner of Zender, the color of Marcellus II's mustache was white. 20th, because he was an old man. 20th, report of Hanzo swam into water in the moat with a sword between his teeth. C option. These are 20 MCQs. I think there are only 20 MCQs. There must be 40 MCQs. If there are 40 questions, let me check again. ठीक है, आई थिंक देयर आर ओनली 20 MCQs हियर, दे मस्ट मेड अ मिस्टेक हियर बिकॉज द पैटर्न इज नॉट लाइक दैट। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी। सेक्शन बी में सब सेक्शन 4 देखेंगे। फ्रेजल वर्ब है, अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इस रोड के मतलब होता है सड़क, इस रोड के मतलब होता है राइट की सेकंड फॉर्म है रोड, इस सोर के मतलब होता है खराब, लाइक सोर थ्रॉट, खराब गला,
इस सूर का मतलब होता है उड़ना, इस पेयर का मतलब होता है जोड़ी, इस पेयर का मतलब नाशपाती, इस पीक के मतलब होता है कि इस वाले पीक के मतलब तो था किसी पहाड़ की चोटी, ठीक है, और इस पीक का मतलब होता है झांकना। मैनर के मतलब होता है अंदाज, दिस मैनर आई डोंट नो अबाउट दिस वन, यू कैन चेक द डिक्शनरी। इस वेल का मतलब होता है मछली और इस वेल का मतलब होता है गरिया या रोना। मोट है तो मोट हम किसे कहते हैं भाई, मोट खंदक को कहते हैं, एन एरिया ऑफ लैंड। अनस्क्रपलस का मतलब, अच्छा एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है दिस इज रेडिकुलस। अनट्रैमल्ड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उसके बाद बिहोल्ड का मतलब देखना, सी। फ्रॉलिक का मतलब होता है मैरी। तो ये हमारा अनसरप्लस का मतलब हमारे पास हो गया यहाँ पर, दैट इज डिसऑनेस्ट। इसके बाद नरेशन है, मैं डायरेक्ट वर्बली इसको पढ़ देता हूँ। द पुलिस आस्क्ड द आई विटनेस वेयर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस, फुल स्टॉप। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड है शी आस्क्ड हिम, सॉरी नॉट आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पर, सेट की जगह पर शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज एंड सेड टू हिम दैट दैट बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। थर्ड है द प्रोफेसर ऑफन टेल्स द स्टूडेंट्स टेल्स स्टूडेंट्स दैट अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। सिक्स से फोर्थ है ही आस्क्ड मी इफ आई डोल्ड आउट मनी टू द नीडी। नेक्स्ट है द फादर फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू रन फास्ट और दे वुड फॉल डाउन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू सारे हमारे नरेशन हो गए। गिव द नेम ऑफ द चैप्टर एंड ऑर्डर, तो चैप्टर यहाँ पर ही हमारे पास है, एज यू लाइक इट, और ऑर्डर एल्बर्ट आइंस्टाइन। मीनिंग्स देने अंडरलाइन वर्ड के, डेस्टिनी के मतलब होते हैं फेट, सोजर्न के मतलब होते हैं सफर दैट इज ट्रैवल, और क्या है भाई, और तो मुझे कहीं पर अंडरलाइन नहीं दिख रहा, आई थिंक सो। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पर्सनली, चूंकि डबल एल आ गया तो दिस इज एडवर्ब, स्टिल दिस इज एडजेक्टिव, नेक्स्ट दिस इज आल्सो एडजेक्टिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर ऑफ सेकेंड ईयर English SM Science College. Thank you so much for listening to the lecture. Inshallah, we will meet again with the next lecture. Allah Hafiz.